नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप देखेंगे एक भर्ती का लेटेस्ट नोटिफिकेशन। और ये जो भर्ती का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप अपनी वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हेडक्वार्टर साउदर्न कमांड सिग्नल के द्वारा जारी किया गया है। हेडक्वार्टर साउदर्न कमांड सिग्नल ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भारत सरकार के अंतर्गत आता है और ये इंडियन आर्मी की साउदर्न कमांड की सिग्नल यूनिट है, जिसके लिए ये एडवर्टाइजमेंट जारी की गई है। इस एडवर्टाइजमेंट का नंबर, इस एम्प्लॉयमेंट नोटिस का नंबर है 444365 बाय रिक्रूटमेंट सिविल 2023। ये इस भर्ती का एडवर्टाइजमेंट नंबर है, एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर है। इस नंबर को आप अच्छे से नोट कर लें, क्योंकि यह नंबर आपको आपने ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में भरना पड़ेगा। तो इस नंबर को अच्छे से नोट कर लें। और इस भर्ती के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, वो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा आपने। और ये जो भर्ती है, वो लेटेस्ट जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है, जो कि 8 अप्रैल को पब्लिश होगा, 8 अप्रैल को पब्लिश हो चुका है। ये 8 अप्रैल की जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है, उसमें ये पब्लिश हो चुका है। और एप्लीकेशन फॉर्म को भी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या अन्य वीडियो के माध्यम से आप 8 अप्रैल को इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को प्राप्त कर सकेंगे। और आगे की वीडियो में आप देखेंगे कितनी वैकेंसीज हैं, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी रहेंगी और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे, क्या सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा, आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो कहाँ पर रहेगा, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस प्रकार के भर्तियों के जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, वो सबसे पहले मिलते रहें। चलिए बात करते हैं, जो पोस्ट का नाम है वो है CSBO, सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेटर ग्रेड 2 की ये वैकेंसी रहेगी, CSBO की, ग्रुप सी की ये वैकेंसी रहेगी। और इसके लिए जो आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है, तमाम जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित, कैटेगरी से संबंधित, डोमिसाइल से संबंधित, वो सभी लगाकर आपने, सभी की आपने सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज लगाकर और एप्लीकेशन फॉर्म को भरकर आपने ऑफिसर इंचार्ज साउदर्न कमांड सिग्नल रेजिमेंट पुणे महाराष्ट्र, पिन कोड है 41101, इस पते के ऊपर आपने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो भेजना होगा। फॉर्म को आप या तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं, दो माध्यम आप बताए गए हैं, या आप रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को भेज पाएंगे। ये थी ऑफिस की जानकारी, जिस पते के ऊपर आपने एप्लीकेशन फॉर्म को भेजना है। आगे देखते हैं, CSBO के लिए पे स्केल की बात करें, ये पे लेवल 3 की वैकेंसी है, पे लेवल 3 की, जिसकी इनिशियल बेसिक पे रहेगी 21,700 से शुरू होगी। अब बात करते हैं डिटेल ऑफ वैकेंसीज़ की। वैकेंसीज़ कुल कितनी हैं, कुल जो है यहाँ जो वैकेंसीज़ हैं वो हैं 53 पोस्ट यहाँ दिखाई गई हैं। इस एडवर्टाइजमेंट में 53 पोस्ट दिखाई गई हैं टोटल, जिसमें SC के लिए 9, ST के लिए 5, OBC के लिए 11 और अनरिजर्व कैटेगरी में यहाँ 15 वैकेंसीज हैं। अनरिजर्व में 6 EWS के लिए, हैंडीकैप्ड के लिए 2 और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 वैकेंसी रहेंगी। कुल मिलाकर ये 53 वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन है CSBO का, सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेटर ग्रेड 2 की ये वैकेंसी रहेगी। अब बात करते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। क्वालिफिकेशन की बात करें, मैट्रिक या इसके समकक्ष कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी क्वालिफिकेशन, आपके पास प्रोफिशिएंसी इन हैंडलिंग प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज PBX बोर्ड को हैंडलिंग करना आपको आना चाहिए और इसका आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना होगा। प्रोफिशिएंसी का आपको प्राइवेट ब्रांच का एक्सचेंज जो है PBX बोर्ड होता है, एक स्विच बोर्ड होता है PBX फ़ोन को ऑपरेट करने के लिए, उसकी प्रोफिशिएंसी हैंडलिंग करना आपको आना चाहिए और उसका आपको एक सर्टिफिकेट भी एक्सपीरियंस प्रोड्यूस करना होगा। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें, इसमें आपको स्पोकन इंग्लिश और हिंदी अच्छे से स्पोकन करनी आनी चाहिए, ये इसकी क्वालिफिकेशन रहेगी। अब बात करते हैं किस प्रकार से आपने अप्लाई करना है। और सबसे पहले बात कर लेते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट की बात करें, 18 से 25 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। और 18 से 25 की जो गणना की जाएगी, वो आपकी इस भर्ती की लास्ट डेट को की जाएगी। इस भर्ती की जो लास्ट डेट रहेगी वो 7 मई 2023, इस भर्ती की लास्ट डेट रहेगी। और जो OBC के कैंडिडेट हैं, उन्हें ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी,
एससी और एसटी के कैंडिडेट को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार जो पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि हैंडीकैप कैंडिडेट है उन्हें ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। ये एज का क्राइटेरिया था। इस एज के क्राइटेरिया के मुताबिक आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं कि आपने इन सभी पदों के लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो कब तक रहेगी, वो इस एडवर्टाइजमेंट के पॉइंट नंबर 8 पर बताया गया है। 30 दिन के भीतर आप अप्लाई कर सकते हैं। कब से? जब ये एडवर्टाइजमेंट ऑफिशियली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में पब्लिश होगी। ऑफिशियली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर जो 8 अप्रैल 2023 का होगा उसमें ये आप वैकेंसी देखेंगे और उसके 30 दिन के बाद तक यानी कि 7 मई तक आप अप्लाई कर पाएंगे, 7 मई 2023 तक। अब बात करते हैं सिलेक्शन के लिए स्कीम क्या रहेगी। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट कंडक्ट होगा। रिटन टेस्ट का जो कंडक्ट होगा वो 100 मार्क्स का आपका एक रिटन टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसमें आपका जो विभिन्न प्रकार के जो पार्ट्स रहेंगे रिटन टेस्ट में, सबसे पहले आप देखें पार्ट वन में आपका आएगा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के ऊपर आएंगे, जनरल इंग्लिश के ऊपर आएंगे और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आपको आएंगे। 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन आपके आएंगे। पेपर आपका हिंदी और अंग्रेजी दो भाषाओं में आपको मिलेगा, अंग्रेजी और हिंदी दो भाषाओं में मिलेगा। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में आपको जो प्रोफिशिएंसी है उसका आपका चेक किया जाएगा, हैंडलिंग ऑफ एक्सचेंज ऑपरेशन में। टेलीफोन की एक छोटी सी एक्सचेंज होती है प्रत्येक ऑफिस में जिसको हैंडल करना आपको आना चाहिए, जिसको EPBX सिस्टम बोलते हैं, प्राइवेट एक्सचेंज बोर्ड होता है, उसको ऑपरेट करना आपको आना चाहिए। उसका आपका स्किल टेस्ट होगा। अब आगे बात करते हैं कि जो आपने अपना रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट आपका कहाँ कंडक्ट होगा। आपका जो रिटन टेस्ट है और स्किल टेस्ट है वो पुणे महाराष्ट्र में ही कंडक्ट होगा, इसके अलावा कहीं और आपका टेस्ट नहीं होगा। ये आपका स्किल टेस्ट के बारे में था और रिटन टेस्ट के बारे में था। आगे बात करते हैं कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट एनक्लोज करने हैं। जो डॉक्यूमेंट्स आपने एनक्लोज करने हैं वो एक बार आप देख लें। सबसे पहले आप देखें सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की, जिसमें आप अपना मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं और मार्कशीट भी लगा सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन के जो भी आपके मार्कशीट हैं, चाहे वो 10वीं 12वीं का है, EPBX सिस्टम से संबंधित है आपका कोई, वो लगाएं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कोई आपके पास है वो लगाएं। रेजिडेंस सर्टिफिकेट लगाएं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप जरूर लगाएं। आधार कार्ड की कॉपी आपने ज़रूर लगानी है। यदि आप पहले से गवर्नमेंट सेवा में हैं और इन सभी पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पहले से लेकर अप्लाई करना होगा। और एक्सर्विसमैन के कैंडिडेट जो अप्लाई करेंगे उन्हें अपना डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जरूर प्रोड्यूस करना होगा। और इसके अलावा आपने और जो दो सेल्फ एड्रेस के इनवेल्प भी आपने ज़रूर लगाने हैं, दो लिफाफे आपने लगाने हैं। उन लिफाफों के ऊपर आपने अपना एड्रेस लिखना है और लिफाफों का जो साइज़ होगा 12x24 सेंटीमीटर का होना चाहिए और प्रत्येक लिफाफे के ऊपर 25 रुपये की आपने पोस्टेज स्टैंप यानी कि डाक टिकट जरूर लगानी है, यानी कि 50 रुपये का ये आपका दो लिफाफों के ऊपर खर्चा है। दो लिफाफे इसलिए लगवाए जाएंगे आपको, पहला आपका रिटन टेस्ट के लिए आपको एक एडमिट कार्ड आएगा और दूसरा स्किल टेस्ट के लिए जो एडमिट कार्ड आएगा उसके लिए दो लिफाफे आपको लगवाए जाएंगे। ये था किस प्रकार से आपने अप्लाई करना है इन सभी पदों के लिए। और हेडक्वार्टर साउदर्न कमांड सिग्नल पुणे में जो स्थित है, इसके ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को 8 तारीख को आप वीडियो के माध्यम से भी देखेंगे कि किस प्रकार से आपने अप्लाई करना है और किस प्रकार से आपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा। ये सारी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में दी जाएगी। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करते रहें। धन्यवाद।